और लगता है ये मार्च महाराष्ट्र के लिए बहुत भारी है, क्योंकि एक बार फिर कोरोना महाराष्ट्र को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कोरोना को लेकर जिस तरह की लापरवाही लोगों की नजर आ रही है, उसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में एक और शहर में हफ्ते भर के लिए तालाबंदी हो चुकी है। महाराष्ट्र के किस शहर का जिक्र यहां पर कर रहे हैं हम, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रेलवे स्टेशन पर भीड़, लेकिन लोग मास्क नहीं पहनेंगे। हम लोग थोड़ा निकाले, अभी निकाले, जस्ट निकाले, पानी पी रहे थे, सांस फूलती, ये सब रीजन बताते हैं वो लोग। सब्जी मंडी में पैर रखने तक की जगह नहीं, लेकिन लोग मास्क नहीं पहनेंगे। बस, ट्रेन, बाजार, हर जगह कोरोना घूम रहा है, लेकिन कोरोना से बेपरवाह लोगों की दलील सुनिए। हाँ, हमने मास्क रखा है, मास्क से कुछ नहीं होता। कितना टाइम आप मास्क पहन के रखेंगे? हमारे को कोरोना नहीं है ना। क्यों नहीं आएगा? कोरोना खत्म हुआ क्या? हाँ, खत्म हो गया। खत्म हो गया? नहीं, बहुत लोग कम लोग मास्क पहनते करके। लोगों की यही लापरवाही एक बार फिर कोरोना विस्फोट की वजह बन रही है। आम जनता के इसी रवैये के चलते महाराष्ट्र में एक के बाद एक शहर में तालाबंदी करनी पड़ रही है। तो अभी भी लोग कोरोना से बचने को लोग अपनी मजबूरी मानते हैं, वो ये नहीं समझते कि ये ज़रूरत है। दरअसल वो खुद बचे रहेंगे तो वो समाज के दूसरे लोगों को भी बचा पाएंगे, और इसी वजह से मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। नागपुर के लोगों में जागरूकता की थोड़ी बहुत जो कमी है उसको लेकर प्रशासन सख्त हुआ है, मास्क को लेकर चालान काटे जा रहे हैं। लोगों की लापरवाही से नागपुर में एक हफ्ते का लॉकडाउन लग चुका है, तो मुंबई पर भी लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। बावजूद इसके मुंबई के लोगों को इससे क्या, उन्हें तो मानो अपनी मर्जी चलानी। मुंबई में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग नियमों की अनदेखी कैसे कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए हम आपको दादर स्टेशन के बाहर लेकर आए हैं। दादर स्टेशन के बाहर देखिए भीड़भाड़ की ये तस्वीर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे घूम रहे हैं जिन्होंने मास्क वगैरह कुछ पहना नहीं है। ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि कर्नाटक में भी कोरोना बेलगाम हो रहा है, लेकिन बेंगलुरु में लोग इतने बेफिक्र होकर घूमते नजर आ रहे हैं मानो इन्हें कोरोना छू नहीं सकता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई लड़के भी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरह से भाग रहे हैं। दिखाना यही चाहता हूँ मैं कि लोग कहीं ना कहीं अब लापरवाह होते जा रहे हैं और अब जो है हम देख सकते हैं सामाजिक दूरी के नियम है उनका ख्याल नहीं रखा जाता है, मास्क नहीं पहन रहे हैं और हर एक शख्स के पास अपना अपना बहाना है मास्क नहीं पहनने को। देश में कोरोना फैलने की रफ्तार डरा रही है, ऐसे में अगर अब भी नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब देश में फिर लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।